सो है गाइस, मैं अमन सूरज पुरिया और आज हम बात करने वाले हैं वायरल कपल के बारे में, जिसको आप जानते ही हैं, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। इस वीडियो का उद्देश्य आपका मनोरंजन कराना नहीं है, इस वीडियो का मेन उद्देश्य आप तक एक संदेश पहुंचाना है। गाइस आपको पता होगा, वो कपल जलंधर में अपना पिज्जा स्टॉल चलाते थे। उनके पास एक दिन एक फूडी व्लॉगर आया, जिसने उनकी खाने की वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी और वो काफी ज्यादा वायरल भी हो गई। उसके बाद उनके पास काफी सारे फूड ब्लॉगर आने लगे और उनके खाने की वीडियो बना बनाकर अपने सोशल मीडिया पेज और अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने लगे, और जिसके कारण वो कपल बहुत ही जल्दी फेमस हो गए। लेकिन आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि आदमी अपने दुख से परेशान नहीं है, दूसरे का सुख से परेशान है। क्योंकि गाइस जितनी जल्दी फेमस होते और जितनी इनकी पॉपुलरिटी बनी थी, वो इनकी कामयाबी इनके ही कुछ मिलने वालों को हजम नहीं हो रही होगी। मेन मुद्दा ये है कि इस कपल का एक प्राइवेट वीडियो लीक हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बहुत गलत हुआ। लेकिन वो वीडियो किसने लीक किया उसके बारे में बात करेंगे, मगर उससे पहले मैं इन मीम्स पेज वालों से एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई मत करो यार ऐसा, क्योंकि इन मीम्स पेज वालों ने ही उस वीडियो को कुछ ज्यादा वायरल किया। नए नए एंगल्स में मीम बना बना कर, अगर वीडियो को लिंक चाहिए तो यहाँ टैप करो, वहाँ टैप करो, स्टोरी में लिंक मिल जाएगा, बायो में लिंक मिल जाएगा, और कमेंट सेक्शन में सबके सब एक दूसरे से लगे पड़े, भाई लिंक दे दो, भाई लिंक दे दो। अरे शर्म करो यार, शर्म करो, भगवान से डरो भोस। और जिस कपल का वो वीडियो वायरल हुआ, उस कपल का कहना है कि वो AI जनरेटेड वीडियो है, जो कि उनको कुछ टाइम पहले धमकी आई थी, जिसमें उनको बोला था कि अगर आपने हमारे भूमा के पैसे नहीं दिए तो मैं उस वीडियो को वायरल कर दूंगा। टेक्निकल चीजा कर पे कभी सारा डाटा, इंटरनेट दा, इंस्टाग्राम दा, ये सारी चीजा इतनी होंगी लेकिन के उस बुली ने सब पहनी धमकी जो वीडियो भेजी से, उस वीडियो के पहला मैसेज भी अं किया कि आ गांव पूरे पैसे भेज दो, नहीं तो मैं थोड़ी वीडियोस करन देता हूं, भेजता कि जो कि उसने कर भी दिया, लेकिन पुलिस ने उसको पकड़ लिया जिसने इनकी ये वीडियो वायरल की थी। लेकिन अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कौन है जिसने इनकी प्राइवेट वीडियो लीक कर दी। आप लोगों ने एक कहावत और भी सुनी होगी कि घर का वेदी लंका ढाए, तो वो और कोई नहीं, इनके यहाँ पर काम करने वाली एक महिला थी जिसने इनकी प्राइवेट वीडियो लीक की थी, और इस बात को खुद पुलिस ने क्लियर किया। जिहड़ी ये वीडियो वायरल हुई सी, ये मुकदमा उस संबंध विच दर्ज किया सी, तो जो कल्प्रेट सी फीमेल काल्पनिक नाम सोनिया, उन्होंने भी जिहड़ा हैगा असीं ये अरेस्ट कर लिया है। गाइस उस महिला ने तो बड़े ही आराम से वो वीडियो वायरल कर दी और मीम्स पेज वालों ने काफी मीम बनाए उस वीडियो पर। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि जिस कपल की वो वीडियो थी, उस कपल पर क्या बीत रही होगी, वो कैसी कैसी हालतों का सामना कर रहे होंगे, एक बार आप खुद ही सुन लो। मेरे बच्चे की जो हालत है, चार दिन भी नहीं हुए चल रही है, मेरी वाइफ की जो हालत है, अंदर कुछ नहीं जा रहा है, बड़ी मुश्किल से संभाल पा रहा है, जो भी हालत है। गाइस मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि अगर ऐसी वीडियो कोई आपके फैमिली मेंबर की लीक हो जाए, तो क्या आप तब भी उस वीडियो को ऐसे ही एक दूसरे के पास फॉरवर्ड कर दोगे? ना तुम बताओ, कर दोगे? ना करोगे ना, तो भाई इनकी वीडियो क्यों कर रहे हो, मत करो भाई। और अगर कोई उस वीडियो को आपके पास फॉरवर्ड कर रहा है, तो सबसे पहले तो आप उस वीडियो को अपने फोन में डिलीट करो और फिर उस बंदे को समझाओ कि भाई मत कर ऐसा। हालांकि कुछ जनता इतनी पागल भी हो गई थी कि उनकी और वीडियो पर ऐसे ऐसे कमेंट करने लगी थी कि उन बिचारों को अपना कमेंट सेक्शन ही बंद करना पड़ गया। लेकिन मुझे पता है हमारी जनता यानी कि आप बहुत ही समझदार हो, तो आप तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे। और अगर मेरी कही हुई बात गलत लगे तो मुझे माफ कर देना, लेकिन अगर मेरी कही हुई बात थोड़ी सी भी ठीक लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लेकिन उस वीडियो को आगे शेयर मत करो, खुद भी समझो और अपने दोस्तों को भी समझो।